शॉर्ट्स के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की छात्राएं अब 1 किलोवाट का सौर ऊर्जा जनरेटर बनाएंगी। सर्जिकल स्ट्राइक से मिली कुछ अलग करने की प्रेरणा से उन्होंने पहले 100 वाट का सोलर पोर्टेबल जनरेटर सिस्टम को बनाकर सभी को चौंका दिया था। बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा आकांक्षा सिंह, आंचल सिंह, श्वेता सिंह और प्रियंका सिंह ने 1 माह में इसे तैयार किया है। अब वो 1 किलोवाट का सोलर जनरेटर बनाएंगी। शॉर्ट्स के इंजीनियरिंग विभाग की छात्राओं ने सोलर पोर्टेबल जनरेटर सिस्टम बनाया है जो आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक है। आइए हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से किस सोच से इसको बनाया है। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली सर, ये हम सोलर पोर्टेबल सोलर पावर जनरेटर बनाए हैं। इसके पहले हम सोलर वाटर प्योरीफिकेशन बनाना चाहते हैं। और सर, ये यूजर्स इसका ऐसा, जैसे हमारे आर्मी कैंप वगैरह हैं, आर्मी कैंप में हम कहीं भी जाते हैं तो आर्मी वगैरह को सब लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको प्रॉब्लम होती है लाइट में, तो ये सब पोर्टेबल डिवाइस है, तो उनको कैंप के साथ ये अपने ले जा सकते हैं। वहाँ पे कहीं भी कैंप लगाए तो ये सोलर पोर्टेबल डिवाइस को ले जा सकते हैं। इससे सर एक फैन चल सकता है 75 वाट का, एक लाइट चल सकती है सर, और इसमें मोबाइल चार्ज भी हो सकता है। आप बताइए कि आपको इस सिस्टम बनाने की सोच कहाँ से और कैसे है? सर, बेसिकली जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल कि इतना सारा प्रॉब्लम, बेसिक फैसिलिटी का सब ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में, तो वैसे हमारे एडवाइजर्स हम लोग सजेस्ट किए कि कुछ ऐसा बनाएं जिसे बेसिक यूज़ लोग कर सकें, बेसिकली एक लाइट, एक फ़ैन जो यूज़ में आ सके। तो हम लोग वही सोच के कि ये पोर्टेबल, इसीलिए हम लोग इसको पोर्टेबल बनाएं ताकि लोग आप माइग्रेशन में इसको यूज़ कर सकें। तो हम लोग इसको बेसिकली अभी 100 वाट तक का ही बना के रखे हैं, और इसको और मॉडिफाई करके हम इसको और मॉडिफाई कर जाएंगे, जैसे अब ये पैनल जो इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, और इसको मॉडिफाई करके हम और आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसमें वर्किंग चल रहा है, और बेसिक सोच तो हम यही सोचे कि लोगों को बेसिक फैसिलिटी मिल सके। टेंट शॉप वगैरह में लोग, लाइट रहता तब तक यूज़ किया, लाइट गया तो फिर सब डब, तो उस जगह सर फिर ये हमारे काम आ सकते हैं, क्योंकि उसमें बैटरी भी यूज़ किया हम लोगों ने, तो बैटरी बैकअप बेसिकली इसका मेन फंक्शन है, हमें बैटरी बैकअप के थ्रू हमें लाइट मिलती रहेगी। अच्छा, आप बताएं कि इस सिस्टम को बनाने में कितने दिन लगे और कितनी कॉस्ट आएगी? हमें इन सिस्टम को बनाने में विदिन 1 महीना लगा, और 23,000 तक इसका कॉस्ट आया अभी। तो अगर हम इसको और मॉडिफाइड करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसमें फ्लेक्सिबल सोलर पैनल वगैरह लगाएंगे और इसको ज़्यादा 1 किलोवाट तक का पोर्टेबल बना सकते हैं, उसमें हमको अप्रॉक्सली 75,000 तक कॉस्ट आ सकता है इसको, मगर मॉडिफाइड करके फ्यूचर इसको प्ले बनाएंगे तो। ये काफ़ी लोगों के लिए लाभदायक है, जैसे हमारे छोटे लोग होते हैं जो मंडी या कहीं और स्ट्रीट लाइट पर रहते हैं, जहाँ पे हमें लाइट की प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ लाइट नहीं होती है, वहाँ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है, क्योंकि वहाँ कभी लाइट रहती ही नहीं है, तो वहाँ पे ये बेसिकली ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए। एक्चुअली विलेज के साथ आर्मी कैंट एरिया में भी बहुत यूज़फुल है। कहीं पे भी बाहर में अगर हमें प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है या चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, या बेसिक यूज़ तो इसी से है कि लाइट, फ़ैन ऑन हो, चार्जिंग हो, और ये स्टार्टअप एक हमारा जंप अप है, उससे हम अपना कार बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, तो यूज़फुल तो ये बहुत है। इस सिस्टम को बनाने की प्रेरणा आपको कैसे और कैसे? ये एक्चुअली हम इस टाइम पे तो सोलर पे ही सारे वर्कआउट हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि पहले तो सोचा कि हम वाटर प्यूरीफायर बनाते हैं सोलर का, परमानेंट ठंडा होता रहे, बट फिर लगा कि थोड़ा हटके बनाते हैं, सोचते सोचते जनरेटर तक गया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक वाली चीज़ें आई सामने, तो लगा कि कुछ ऐसे रिलेटेड बनाएं कि उनको भी बेनिफिट हो, जो आर्मी में आजकल पूरा मतलब एक माइंड डाइवर्ट होता है, सबसे पहले जाता है कि हम उस एरिया में जाएँ जहाँ पर चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, ये सोचते हुए फिर हमने इसको डिज़ाइन किया और इस पे वर्कआउट किया। वार्ड्स की छात्राओं ने सोलर सिस्टम के द्वारा जनरेटर जो बनाया है, ये काफ़ी लोगों के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही सेना में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इनका शोध जारी है, और ये अभी इनका सिस्टम वो 100 वाट तक का है, लेकिन ये आगे इनकी योजना है कि ये 1 किलोवाट तक का बनाएं, जो घरों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। मैं सर्कल न्यूज़ से राजीव जायसवाल।